हाँ जी सर, अभी जो कंटेनमेंट जोन है, क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या सरकार का अभी प्लान चल रहा है कोटपुरा में जो अभी केसेस आए हैं? एक ही परिवार के 13 केसेस जो है वो पॉजिटिव आए हैं, तो अभी क्योंकि डेड बॉडी लेके आए थे ये पीजीआई से, तो वहाँ पे पहले 2 पॉजिटिव आए, 13 आज आए हैं। इनको हम मेडिकल कॉलेज में लेके जा रहे हैं और एरिया को पूरा सील कर रहे हैं, कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं। आसपास की जो बाहर की दुकानें हैं वो भी बंद कर रहे हैं। जो गली है पूरी, लगभग 14 घर हैं गली में, वो सारे जो हैं अंदर ही उनको कंटेन कर दिया। तो इनके सैंपल ली जाएगी, एक्सटेंसिव सैंपल सुबह करेंगे। जितने लोग हैं आसपास, जितने घर हैं 14 के 14 घरों में, लगभग 80 से 90 लोग रहते हैं, इन सभी का सैंपल लिया जाएगा। क्योंकि अफसोस वगैरह भी शायद करने ही आए हैं, तो कोई बात नहीं है, जल्दी से इनको मेडिकल कॉलेज लेके जा रहे हैं। इलाज प्रॉपर चलेगा और ईश्वर की दया से जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। सर, आगे जो यहाँ पे रेडीज वाले हैं या दुकान से बाय कर रहे थे, उसके लिए कोई इंस्ट्रक्शंस चालू? ये एरिया जो है पूरा ही, हम जो जितनी दुकानें हैं राइट और लेफ्ट आपके फैक्ट्री रोड तक, ये सारी बंद कर रहे हैं, दुकानें बंद रहेंगी। डेरीज जो हैं, डेरी हैं जहाँ से दूध वगैरह लेते रहे, ये भी बंद कर रहे हैं। पान की इनकी दुकान थी, पान की दुकान पे भी काफ़ी है, तो कल से सोच रहे हैं पान की दुकानें भी हम बंद कर रहे हैं। सर, इसके अलावा कोई अपना कंटेनमेंट जोन तक? नहीं, यही है कंटेनमेंट जोन रहने वाला है अभी, और इसके अलावा। हाँ ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। सर, इस गली चो जिमें 13 केस कल सामने आए हैं, तो हूँ प्रशासन वालों की कदम चुके गए? जो 13 केस रात पॉजिटिव आए थे, रात ही उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के भर्ती करवा दिया गया, रात ही यह गली सारी सील कर दी गई सी। अज डॉक्टर की टीम हमने पहुँचने वाली है, इन्हां दे सारिया दे सैंपल अज ले जाएंगे, जब तक इन्हां दे रिजल्ट नहीं आते उद तक यह एरिया सील रहेगा। मतलब इस करके हुण कोई इलाके नूं भी सील किया गया है? हाँ, फिलहाल अज मुक्तसर वाले मोड़ तो लैके फैक्ट्री रोड तक सारिया मार्केट बंद रहेगी, जदों तक इन्हां दे रिजल्ट नहीं आ जाते। धन्यवाद जी, इनका साहब देखिए सर।